आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अमेरिका समेत ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला है। अमेरिका के नेतृत्व में तीनों देशों ने आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है, तो वहीं चीन ने इसका कड़ा विरोध किया है। दरअसल अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन और फ्रांस ने पठानकोट और संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन पहले ही की तरह चीन ने इस बार भी इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए भारत दो बार यूएन में प्रस्ताव पेश कर चुका है। 2009 और 2016 में पेश प्रस्ताव चीन के वीटो के कारण पास नहीं हो पाया था, लेकिन यह पहला मौका है जब अमेरिका ने भारत का साथ दिया है और मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए यूएन प्रस्ताव पेश किया है और सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्य देश इसके साथ हैं। रूस पहले भी भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर चुका है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से केवल चीन ही ऐसा सदस्य है जो प्रस्ताव के विरोध में है। आपको बता दें कि 2009 में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव का चीन के साथ साथ ब्रिटेन ने भी तकनीकी आधार पर विरोध किया था। अब 8 साल बाद ब्रिटेन खुद प्रस्ताव करने में शामिल हो गया है। तो मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन जिस तरह से वीटो लगा रहा है, उससे साफ हो गया है कि वह पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 3 स्थायी सदस्यों के प्रस्ताव के खिलाफ चीन कब तक खड़ा रह पाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।